दो विचारधाराओं की लड़ाई, एक तरफ बीजेपी आरएसएस नरेंद्र मोदी जी, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी। नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 5 साल हरियाणा से, हिंदुस्तान से एक के बाद एक वायदे किए हैं। जहां जाते हैं नफरत फैलाते हैं, बिना नफरत फैलाए नरेंद्र मोदी कुछ नहीं कह सकते, मगर वायदे किए। 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में मैं डाल दूंगा। 2014 का उनका वायदा था। कितने रुपए आए? आए? मिला किसी को? भाइयों और बहनों, 15 लोगों का, सिर्फ 15 लोगों का नरेंद्र मोदी ने 3.5 लाख करोड़ रुपए माफ किया है। 15 लोगों का 3.5 लाख करोड़ रुपए, उसमें अनिल अंबानी, विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ऐसे लोगों के नाम हैं। हरियाणा में, बाकी प्रदेशों में किसान दिन भर काम करता है, धूप में काम करता है, 4 बजे उठ के काम करता है, मगर जब किसान नरेंद्र मोदी जी से कर्जा माफी की बात करता है, अरुण जेटली जी कहते हैं हम नहीं करेंगे, हमारी पॉलिसी नहीं है। बीमा की पॉलिसी बनाते हैं तो बिना पूछे आपके बैंक अकाउंट से पैसा निकाल देते हैं, बिना पूछे आपके बैंक अकाउंट से। आपको चाहिए नहीं चाहिए कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपके बैंक अकाउंट से बीमा का पैसा निकालकर अनिल अंबानी, अदानी, इन लोगों की कंपनी में जाता है। फिर नुकसान होता है, बारिश, आंधी, तूफान, आपको कहते हैं नहीं भैया, बीमा का पैसा आपका ही पैसा, आपको वापस नहीं मिलेगा। मैंने उनका भाषण देखा, 15 लाख रुपए का भाषण देखा। 2-3 बार उन्होंने कहा 15 लाख 15 लाख 15 लाख। मैंने सोचा कि एक बात है, बात तो सही कही है, बात सही कही है, आइडिया सही है कि गरीबों के बैंक अकाउंट में पैसा जाना चाहिए, यह बात मैंने पकड़ ली। नरेंद्र मोदी जी ने आपसे झूठ बोला, मैं झूठ बोलता नहीं हूं, मैं झूठ नहीं बोलना चाहता। तो मैंने कांग्रेस पार्टी के थिंक टैंक से, हमारे थिंक टैंक से मैंने कहा देखो, नरेंद्र मोदी जी ने 15 लाख रुपए का वायदा किया था, उसके बाद उन्होंने किसान से अन्याय किया, नोटबंदी की, छोटे दुकानदारों को मारा, गब्बर सिंह टैक्स किया, छोटे दुकानदारों के खिलाफ, स्मॉल मीडियम बिजनेस वालों के खिलाफ अन्याय किया। तो मैंने अपने, हमारे थिंक टैंक से कहा देखिए आप एक काम कीजिए, ये पैसे देने वाली बात मुझे अच्छी लगी है, आप इसको स्टडी कीजिए, इसको एनालाइज कीजिए। स्टडी करने के 2-3 महीने बाद आप मेरे पास आइए, मुझे बताइए हिंदुस्तान की सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार, इस देश के गरीबों को उनके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में कितना पैसा डालकर दे सकती है। झूठ उन्होंने बोला, सच्चाई मुझे बताओ। 6 महीने काम हुआ, 6 महीने काम हुआ, और उसके बाद एक न्याय का कॉन्सेप्ट निकला, ऐतिहासिक चीज, ऐतिहासिक कॉन्सेप्ट, इतना ऐतिहासिक
कि आपने दो तीन दिन पहले नरेंद्र मोदी जी का चेहरा देखा होगा टीवी पे, देखा, हिला दिया उनको। उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, योजना का नाम न्याय योजना। न्याय योजना का मतलब हिंदुस्तान में जिसकी भी आमदनी 12,000 रुपए से कम, महीने से कम की है, 20% हिंदुस्तान में लोग हैं, परिवार हैं, जिनकी आमदनी 12,000 रुपए प्रति महीना से कम है, हम उनको ढूंढेंगे, उनके नाम निकालेंगे और उन सबको, सब परिवारों को साल के 72,000 रुपए उनके बैंक अकाउंट में डाल देंगे। आप न्याय का अन्याय करते हो, आप अन्याय करते हो, आप किसानों को बर्बाद करते हो, छोटे दुकानदारों को मारते हो, तो हम न्याय करेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने आपसे कहा, नरेंद्र मोदी जी ने कहा 15 लाख रुपए मैं हर परिवार को दूंगा, झूठ था, हमने सच्चाई निकाली। मैं आपको सच्चाई बता देता हूं, 15 लाख रुपए झूठ था, मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा। सच्चाई यह है कि हिंदुस्तान की सरकार 5 साल में इन परिवारों को 3,60,000 रुपए दे सकती है और देगी। देखिए, पिछले 5 साल नरेंद्र मोदी ने दो हिंदुस्तान बनाने का काम किया, जहां भी जाते हैं दो हिंदुस्तान की बात करते हैं, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, जहां भी जाते हैं इन चीजों की बात करते हैं। मेक इन इंडिया का मतलब क्या है? नरेंद्र मोदी जी के मेक इन इंडिया का मतलब है कि राफेल हवाई जहाज का कॉन्ट्रैक्ट हिंदुस्तान के युवाओं से छीनकर 30,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी की जेब में डालना। भाई और बहनों, युवाओं, राफेल हवाई जहाज हाई टेक्नोलॉजी का हवाई जहाज है, इसे हिंदुस्तान में बनना चाहिए था। यूपीए सरकार ने, मनमोहन सिंह जी ने साफ कहा था यह हिंदुस्तान में बनेगा, 526 करोड़ का एक हवाई जहाज खरीदा जाएगा, हिंदुस्तान में बनेगा, एचएएल बनाएगी, अलग अलग प्रदेशों में यह हवाई जहाज बनेगा, कहीं इसका इंजन बनेगा, कहीं इसके पंख बनेंगे, कहीं एवियोनिक्स, कहीं इंस्ट्रूमेंट्स, लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा। मगर नहीं, नरेंद्र मोदी जी ने कहा नहीं, मेक इन इंडिया नहीं, मेक इन फ्रांस, एचएएल नहीं, अनिल अंबानी, 526 करोड़ नहीं, 526 करोड़ रुपए नहीं, 1600 करोड़ रुपए। चौकीदार, अब देखिए, पहले कहते थे अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, अब चौकीदार, चौकीदार। उसके बाद 2014 में मोदी जी कहते थे मुझे चौकीदार बनाओ, मुझे प्रधानमंत्री मत बनाओ, मुझे चौकीदार बनाओ। अब कहते हैं हम सब चौकीदार। नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के चौकीदार ईमानदार हैं, हम सब चौकीदार नहीं हैं। आपने कहा था कि आप चौकीदार बनना चाहते हो और एक चौकीदार, आप बाकियों को चोर मत बनाओ, आप सब चौकीदारों को चोर मत बनाओ। हिंदुस्तान के सब लोग ईमानदार हैं, उनको आप सबने, उन सबको आपने लाइन में खड़ा किया। यहां पॉपुलर की इंडस्ट्री थी, इसकी धजियाओं ने खत्म कर दी इसको। क्या दाम मिलता है आपको आज?
कांग्रेस के समय क्या दाम मिलता था? गब्बर सिंह टैक्स से फायदा हुआ नुकसान, नोटबंदी से फायदा हुआ नुकसान, तो आप सबको लाइन में खड़ा किया धूप में, मगर उस लाइन में आपने अनिल अंबानी को देखा, उनके मेहुल भाई को देखा, नीरव भाई को देखा, ललित मोदी, नीरव मोदी? भैया मुझे बताओ, ये सब मोदी 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 कैसे हैं? ये सब चोर, ललित मोदी चोर है, नीरव मोदी चोर है, चौकीदार? तो जहां भी देखो लिखा हुआ है चौकीदार। देखिए मैं आपको दो तीन चीजें कहना चाहता हूं। सबसे पहले मैंने आपको न्याय योजना के बारे में बताया, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में चुनाव थे, मैंने वहां साफ बोला 10 दिन के अंदर किसान का कर्जा माफ हो जाएगा, और पूरा देश जानता है 10 दिन के अंदर नहीं, 2 दिन के अंदर हो गया। हमने आपसे कहा था मनरेगा हम आपको देंगे, कर दिया। हमने आपसे कहा था, उस समय कहा था, और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 2009 में हमने कहा था 72,000 करोड़ रुपए किसान का कर्जा माफ करके हम दे देंगे। हुआ था ना? हुआ था। अब मैं आपको कह रहा हूं वही नंबर याद करो, 72,000 रुपए हिंदुस्तान के 20% सबसे गरीब परिवारों को सीधा बैंक अकाउंट में पैसा जाएगा, और गब्बर सिंह टैक्स जैसे नहीं होगा, 12 बजे रात को ड्रामे के साथ नहीं होगा, पहले पायलट प्रोजेक्ट शुरू होगा, फिर लोग आइडेंटिफाई किए जाएंगे, फिर फेज तरीके से आपके बैंक अकाउंट में पैसा आना शुरू होगा। हम जब काम करते हैं सोच समझ के, प्लानिंग करके काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी में, नरेंद्र मोदी में यह फर्क है। दुकानदार यहां है, मैं आपको बताना चाहता हूं, यह गब्बर सिंह ने आपको बहुत लूटा है, नरेंद्र मोदी जी ने आपको 12 बजे रात गब्बर सिंह जी से परिचय कराई थी। पिक्चर में कहते थे ना, पिक्चर में कहते थे बेटा सो जाओ, बेटा सो जाओ नहीं तो गब्बर आ जाएगा। आज हर व्यापारी कहता है बेटा सो जाओ नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा, और हर महीने गब्बर सिंह आता है, फॉर्म भरो गब्बर सिंह, इनकम टैक्स के लोग आते हैं कहते हैं भैया रिश्वत दो गब्बर सिंह। यह दिया है नरेंद्र मोदी जी ने आपको। मैं आपको कह रहा हूं, छोटे दुकानदारों से कह रहा हूं, स्मॉल मीडियम बिजनेस वालों से कह रहा हूं, सरकार आएगी, 5 अलग अलग टैक्स हैं, हर महीने आपको 5-10 फॉर्म भरने पड़ते हैं, हम आपको एक टैक्स देंगे, सच्ची जीएसटी कांग्रेस पार्टी आपको दे देगी, एक टैक्स होगा, कम से कम टैक्स होगा, सरल टैक्स होगा। और जो युवा बिजनेस चलाना चाहते हैं, खोलना चाहते हैं, 3.5 लाख करोड़ रुपए 15 लोगों को दिया है, बैंक की चाबी नरेंद्र मोदी जी अनिल अंबानी के हाथ कर रखी है। मैं आपको बता रहा हूं, अनिल अंबानी से, नीरव मोदी से बैंक की चाबी लेकर हम हिंदुस्तान के युवाओं के हाथ में कर देंगे। मैनिफेस्टो में हमने साफ लिख दिया है, जो भी युवा छोटा बिजनेस चालू करना चाहता है, मिडिल साइज बिजनेस चालू करना चाहता है, एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, सचमुच में स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, नरेंद्र मोदी जी की दुनिया में आप शुरू करते हो, पहले आपको 10-15 परमिशन लेनी पड़ती है। सरकार के हर डिपार्टमेंट में जाओ, कहो भैया हमें यह परमिशन चाहिए, आपसे कहते हैं पहले रिश्वत दो, यह परमिशन चाहिए, नहीं भैया पहले रिश्वत दो,
ये वाली परमिशन दे दो, नहीं भैया रिश्वत दो। युवाओं, कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में लिखा है साफ, जो भी युवा छोटा बिजनेस चालू करना चाहता है आपको 3 साल के लिए किसी भी सरकारी ऑफिस से, किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, पूरी पूरी छूट है। और जो हिंदुस्तान के लिए, रोजगार पैदा करेगा उसे सरकार मदद करेगी, बैंक का पैसा, बैंक का लोन उसको मिलेगा। नीरव मोदी जी ने हिंदुस्तान के युवाओं के लिए कितना रोजगार पैदा किया? उसने 10 लोगों को रोजगार नहीं दिया। अनिल अंबानी ने हवाई जहाज नहीं बनाया कभी, उसको 30,000 करोड़ रुपए दे दिए। हम युवाओं को पैसा देंगे, युवाओं को बिजनेस खोलने के लिए, बिजनेस चलाने के लिए, हिंदुस्तान को रोजगार देने के लिए हम पूरी छूट देंगे और बैंक का दरवाजा उनके लिए खोलेंगे।